अमित शाह ने ट्वीट किया, 15 सदस्यीय होगा ट्रस्ट, राम मंदिर पर ट्रस्ट के ऐलान के बाद किया गया है ये ट्वीट। ट्वीट पर पीएम मोदी को दी बधाई। श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम के ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। ये ट्वीट किया गया है। श्री राम जन्मभूमि पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज भारत सरकार ने अयोध्या के प्रभु श्री राम में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि अमित शाह का यह ट्वीट है, उन्होंने ट्वीट किया है ये ट्रस्ट के ऐलान के बाद। अमित शाह का यह ट्वीट है, उन्होंने पीएम मोदी समेत सभी को बधाइयां दी हैं। ट्रस्ट के ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर बधाई दी है और बताया है ट्रस्ट को लेकर, और बताया कि कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए ट्रस्ट का गठन 3 महीने के अंदर किया है, और उन्होंने कहा कि सभी का उन्होंने अभिवादन किया। तो आपको बता दें कि मोदी सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है ट्रस्ट को, ट्रस्ट का नाम भी तय हो चुका है, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सभी को बधाइयां दी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत। ट्रस्ट का नाम राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र तय किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुआ है यह फैसला। मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन का ऐलान किया जा चुका है, अब बस अध्यक्ष के रूप में नृत्य गोपाल दास जी के नाम का औपचारिक ऐलान बाकी रहता है।